हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस एस सी विद्यालय में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ शाम 7 बजे हम लोग इंग्लिश का टेस्ट देते हैं, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये डेली बेसिस पर होता है साथियों। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि इंग्लिश का, मैं जैसे एक जस्ट एग्जाम्पल लेता हूँ कि अभी हम लोग ईरर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ईरर का बहुत सारा ऐसा सवाल है साथियों जो जिसका कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठते हैं, ठीक है, और वो आपके इंग्लिश में नंबर उठाने में काफ़ी सहयोग करते हैं। ठीक है, चलिए साथियों तो शुरू करते हैं आज। ठीक है, आज का हम लोग आज का वीडियो शुरू करेंगे, तो वो सबसे पहले बताते हैं जो भी साथी आज नए हैं उनको बताते हैं किस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। तो क्या होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, जैसे आज क्वेश्चन नंबर 91 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। आपको करना क्या है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है तुरंत, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 से शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है कि नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 languages आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब जल्दी से बताइए इसमें किस वाले पार्ट में रह रहे, पहले पार्ट में रह रहे, दूसरे, तीसरे या फिर नो एरर, इसमें जल्दी से बताइए साथियों। जल्दी से इसका आंसर बताइए साथियों। चलिए देखते हैं। देखिए नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 languages आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, यही सवाल था साथियों। अब ध्यान दीजिए यहां पर, मैं हमेशा कहता हूँ इरर किस किस वाले पार्ट में होता है, या तो भर्ब में होता है, प्रीपोजिशन में होता है, ठीक है, या तो बहुत बार आपके वर्ड में देखने को मिलता है। ठीक है, पढ़ते देखिए, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 languages आर, अब आर पर आके थोड़ा देर रुक जाइए। अब देखिए आर अगर यूज हुआ है मतलब शुरुआत में प्लूरल होना चाहिए। आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीपोजिशन के पहले वाला नॉलेज, यहाँ ज्ञान के बारे में बात हो रहा है और ज्ञान क्या होगा, प्लूरल होगा क्या, तो यहाँ पर आर का यूज नहीं होगा साथियों। यहाँ पर किसका यूज होगा, यहाँ पर इज का यूज होगा, और अगर यहाँ पर आर के बदले इज हो रहा है तो आपका आंसर सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप साथियों आप सभी का आंसर, जितने भी लोग लाइव हैं सभी का आंसर सही आया होगा। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 है कि द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शाउट अपॉन द मिनिस्टर इफ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 92 साथियों, इसका आंसर जल्दी से बताइए। आइए समझिएगा, ठीक है, देखिए लिखा हुआ साथियों कि द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट, साइड से पढ़ते जाते हैं, देखते हैं कहाँ है, शाउट अपॉन। अब बताइए शाउट अपॉन का पेयर बनता है क्या, ठीक है, ये आपके ऑल ग्रामर रूल में भी बताया गया था। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपका ग्रामर बिल्कुल वीक है, आपको पता नहीं चलता कि कहाँ किसके साथ क्या क्या किस प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है, किस वर्ब के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब के बारे में नहीं पता, तो ये सारा चीज़ आपको ऑल ग्रामर रूल में मात्र 238 रूल के अंदर सारा कुछ करा दिया गया। क्लियर साथियों, तो यहाँ पर देखिए वहाँ आपको बताया गया था साथियों कि साउट अपॉन का यूज नहीं होता, साउट ऐड का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ अपॉन के जगह क्या लिखेंगे, अपॉन के जगह लिखेंगे ऐड। ठीक है साथियों, तो आपका किस वाले पार्ट में रहा था, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं, आई होप सभी का आंसर सही होगा। अगला साथियों, एवरी वन ऑफ द फिल्म यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, ये क्वेश्चन नंबर 93, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 93 आ चुका है, इसका आंसर बताइए साथियों जल्दी से। चलिए देखते हैं साथियों, देखिए यहां पर लिखा हुआ है एवरीवन ऑफ द फिल्म्स। अब देखिए यहां पर फिल्म्स है प्लूरल, ठीक है, एवरीवन ऑफ द, आपको पता है एवरीवन ऑफ द प्रत्येक के बारे में बताता है, ठीक है, तो यहां पर एवरीवन ऑफ का यूज हम लोग नहीं करेंगे। देखिए शुरुआत में एरर, देखिए एवरीवन का यूज यहां पर नहीं होगा, अगर एवरीवन यूज नहीं होगा तो यहां पर क्या यूज होगा, तो इस तरीके के सेंस में जाइए कि ऑल द पीपल, ठीक है, तो यहां पर उसी तरीके से होगा कि ऑल द फिल्म्स, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ऑल। क्लियर साथियों, ऑल द फिल्म्स हो जाएगा यहां पर, तो किस वाले पार्ट में रहोगे, ऑप्शन नंबर 1। तो जिनका भी ऑप्शन, जिनका भी इसका आंसर फर्स्ट था साथियों उनका बिल्कुल सही है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या है कि द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। ये क्वेश्चन नंबर 94 लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ साथियों, आप खोजिए इसमें से किस वाले पार्ट मिरर है, ठीक है, जल्दी से खोजिए किस वाले पार्ट मिरर है इसमें साथियों। चलिए
देखिएगा ध्यान से समझिएगा, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, साइड से चेक करते हैं, पहले वर्ब को चेक करते हैं, प्रीपोजिशन को चेक करेंगे। देखिए ऑफ द कॉलेज आर, अब यहाँ आर सही यूज है क्या, तो देखिए द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो मतलब आर का यूज यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट, यहाँ भी सही है। तो अगर साथियों सब वाला पार्ट सही हो गया, ठीक है, हर एक पार्ट इसका सही है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, नो एरर। क्लियर, ज़्यादा कुछ देखना नहीं होता किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। और यकीन रखिए कि जब आप इस तरीके से हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपका हर एक पार्ट मजबूत होने वाला है, ठीक है, हर एक पार्ट मजबूत होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 95 है कि नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगैन टू रेन, ये क्वेश्चन नंबर 95, इसका आंसर बताइए। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, नो सूनर आया, तो नो सूनर के साथ किसका पेयर होता है साथियों, आपको पता होगा नो सूनर के साथ किसका पेयर होता है, नो सूनर देन, आपको आप कितना बार पढ़े होंगे, तो यहाँ वेन का प्रयोग होगा क्या, ठीक है, यहाँ पर वेन का प्रयोग होगा क्या, यहाँ पर वेन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके जगह पर देन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, इसके जगह पर किसका प्रयोग होगा, देन का प्रयोग होगा। क्लियर, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप सभी को ये एरर दिख गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96 बताइए साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 96 है द सेक्रेटरिएट कंप्राइजेज मिनी एयर कंडीशनड रूम्स, ये आपका लंबा चौड़ा सेंटेंस था, ठीक है, द सेक्रेटरिएट कंप्राइजेज ऑफ द मिनी एयर कंडीशनड रूम। अब बताइए इसमें किस वाले पार्ट में रह रहे साथियों, पहले पार्ट में, दूसरे, तीसरे, या फिर नो रह रही है सेंटेंस, इसका आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 96, अब देखिए समझिएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 96, देखिए फिर से शुरुआत करेंगे, वर्ब देखेंगे, देखिए द सेक्रेटरिएट कंप्राइजेज, यही तो है। अब यहां पर देखिए कंप्राइजेज के साथ ऑफ लगाया, अब याद कीजिए कंप्राइजेज के साथ ऑफ कब लगता है, तो जब कंप्राइज जो है वो अपने तीसरे फॉर्म में होता है, ठीक है, कंप्राइज्ड होता है तब ऑफ लगाते हैं, ठीक है, कंप्राइज्ड ऑफ लगाते हैं यहां पर, अंत में जब इसके साथ ईडी लगाता है तो ऑफ लगता है, तो यहाँ कंप्राइजेज का यूज सही नहीं है, कंप्राइजेज ऑफ का यूज यहाँ पर सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑफ को हटा देंगे पहला तरीका, या फिर क्या लिखेंगे, कंप्राइजेज ऑफ को हटा कर कंप्राइज्ड ऑफ लिखेंगे। तो जब हमें पता है कि यही दोनों पार्ट मिरर है साथियों, तो इसका आंसर क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये भी उसी से आया हुआ था ऑल ग्रामर रूल से साथियों, जो आपको मात्र 14 बहुत छोटा छोटा 14 वीडियो के अंदर 238 रूल के अंदर खत्म करा दिया गया। तो जब इतना मैं आपको जब बोल रहा हूँ तो एक बार आप जाके उसे देखिए जरूर, आपको पता चलेगा उसमें कितनी सारी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 97 साथियों, इट इज हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ऑन टू लेग्स, जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए देखिए समझिएगा, इट्स अ हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ऑन टू लेग्स। अब देखिए एक आइडियम्स होता है साथियों, मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक आइडियम्स होता है, क्या होता है आइडियम्स एक आइडियम्स होता है कि स्टैंड ऑन वंस ऑन फीट, ठीक है, टू लेग्स के बारे में नहीं कहता है, ठीक है, वंस फीट। तो यहाँ पर देखिए जो टू लेग्स है साथियों, यहाँ पर ये टू लेग्स का यूज यहाँ पर गलत है, यहाँ पर इसके जगह पर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर होगा फीट, ठीक है, फीट मतलब भी वही सेंस जाता है, और फीट ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर साथियों, तो आप सभी का भी आंसर सही आया होगा। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 है कि यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आवर, यही तो है, यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आवर, ये क्वेश्चन नंबर 98, इसका आंसर जल्दी से बताइए आप सभी साथियों। अब देखिए ऐसा सेंटेंस में मैं आपको बताया था, देखिए यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल, अब टू ट्रेवल का यूज यहां पर सही है क्या, यहां पर नहीं है, ठीक है, आपको मैं हमेशा बता, ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, ठीक है, और यही फायदा होता है कि जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें है कि यू शुड अवॉइड इन द रश आवर, बीच में देखिए यहां पर क्या होगा, ट्रेवल का यहां पर वी प्लस आई एन जी वाला फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे पढ़ते हैं, यू शुड अवॉइड ट्रेवलिंग इन द रश आवर, ठीक है, रश आवर में ट्रेवल करना क्या, अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, अगला क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, इसका ये पढ़िए, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 99 है कि देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स डैट आर इंटरेस्टिंग,
चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 99। देखिए बहुत आसान है, आपके सामने दिख रहा होगा इसका आंसर, आपके सामने दिख रहा होगा साथियों। देखिए देयर इज ओनली वन ऑफ द हिज नोवेल, मतलब एकमात्र ऐसा उपन्यास था जो क्या इंटरेस्टिंग था, तो जब एक था साथियों तो आर क्यों, यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3 मारिए, बढ़िया आगे, तो आप सभी का भी ऑप्शन नंबर 3 ही आया होगा कमेंट में। चलिए कमेंट करते जाइएगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, देखिए देखते देखते हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंच गए। देखिए ही डिनाइड टू हैव बीन देयर, ये क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 है कि ही डिनाइड टू हैव बीन देयर। ठीक है, ये बहुत छोटा सा सेंटेंस है लेकिन इसमें बहुत बड़ा एरर है। अब देखिए यहां पर बीन है साथियों, अब देखिए समझिए यहां पर बीन है, तो टू हैव हुआ क्या, ही डिनाइड हैविंग बीन, यहां पर इस तरीके में क्या होता है, ठीक है, हैविंग बीन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हैविंग बीन कर लें, ठीक है, हैविंग बीन, टू हैव के जगह पर हैविंग बीन, तो किस वाले पार्ट मिरर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 समझिएगा साथियों, ये कि ए मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट, ये आपका क्वेश्चन, ये सेंटेंस नंबर 101, और इसमें बताना किस वाले पार्ट मिरर है साथियों, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में, या फिर नो एरर। ठीक है, इसका आंसर जल्दी से बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 101 था ये। अब देखिए इतना आसान क्वेश्चन है 101, देखिए यहाँ डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा ए मिल्क क्या होता है भाई, ठीक है, एक दूध थोड़े ना होता है, तो जब ए मिल्क यहाँ पर डायरेक्ट आपको गलत दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 मारिए, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 102, देखिए इसमें लिखा हुआ व्हेन द फुटबॉल टीम वॉक्ड इनटू द फील्ड, क्वेश्चन नंबर 102 है कि व्हेन द फुटबॉल टीम वॉक्ड इनटू द फील्ड द क्राउड ब्रस्ट इनटू अप्लाउज बट सम चीयर्स वेयर हियर टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 ये भी आसान आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर इसका हिंदी आप समझ गए तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा साथियों। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 102 का। आइए देखते हैं साथियों, ठीक है, आइए समझिएगा क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है इसमें कि व्हेन द फुटबॉल टीम वॉक्ड इनटू द फील्ड, यही तो है, द क्राउड ब्रस्ट इनटू अप्लाउज। ठीक है, देखिए जो कुछ भीड़ था वो क्या कर रही थी, अप्लाउज कर रही थी, लेकिन कुछ जो थी अब देखिए अप्लाउज भी करेगी और कुछ अगर बट सम, तो जब बट लग गया मतलब निगेटिव सेंस इसका अपोजिट जाएगा, तो कुछ अगर अप्लाइज कर रही थी साथियों, ठीक है, तो दूसरा भी चीयर्स, ये भी तो देखिए सेम सेंस में आएगा, तो यहाँ चीयर्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, चीयर से यहाँ पर कुछ नेगेटिव सेंस वाला, ठीक है, अब्यूज आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, गालियां दे रही थी। चलिए तो ये किस वाले पार्ट मिरर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3, बहुत छोटा छोटा एरर था साथियों। ठीक है, बहुत छोटा छोटा एरर था, तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया, तो आज फिर बहुत सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, आज फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो साथियों ये बहुत छोटा सेशन है लेकिन ये बहुत यूजफुल सेशन है आपके लिए। ठीक है, प्रत्येक दिन शाम 7 बजे हम लोग मिलते हैं आपस में, तो आइए साथियों आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू साथियों। ठीक है, और इसी तरीके से आप हमेशा लाइव बने रहें और अपने इंग्लिश को मजबूत करें, ठीक है, अपने इंग्लिश वाले पार्ट को बहुत मजबूत करें। ठीक है, क्लियर साथियों, चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।